स्थलीय और यू कहे इपिक सेंटर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में आज उपस्थित श्री नर्मदेश्वर लाल जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री हनीफ मेवाती जी, श्री संजीव दयाल जी, प्रदीप कुमार जी, सुमन कुमार गुप्ता जी। हमने जब इपिक सेंटर कहा था, कुछ बातें हैं क्योंकि आप तो मुझे देख के समझ रहे होंगे मेरी भावबाधा हरो, तो आपकी भावबाधा हरने मंत्री जी और तमाम अधिकारी वृंद के बीच हम बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन कुछ बातें रख के मैं जाना चाहता हूँ। तो बोलिए ना, खाली लेख लिखते हैं, बोलिए। नहीं, असल बात माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित है, माननीय मंत्री जी को मैं मानता हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा है और उसके बाद भी इंडस्ट्री पर यदि चर्चा हो रही है तो इस चर्चा के पीछे बचपन से हमने आज तक केपीएस केसरी जी को देखा है, रमेश चंद जी को देखा है, रामलाल खेतान जी को देखा है, वासु सर्राफ जी को देखा है, उषा झा जी को देखा है, यह करते हुए कि भाई हम पत्थर पे डूब उगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की इस लंबे समय के यात्रा में, विकास यात्रा में, माननीय मंत्री महोदय आपको मैं ऋतुराज मानता हूं। ऋतुराज इसलिए मानता हूं कि मौसमों में जब पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं तो उसको कहा जाता है ऋतुराज बसंत। बिहार का वह यायावर मंत्री जिस मंत्री का एक पग यदि बिहार में रहता है तो दूसरा पग बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली, लोग समझते यायावर यायावर कर क्या रहा, यायावर विकास विकास की बात कर रहा। अभी हम प्रदीप जी को सुन रहे थे तो हम इस कार्यक्रम को मांग रहे हैं, अभी जैसे संजीव दयाल जी, नर्मदेश्वर लाल जी सब लोग हैं, तो मेरा मानना है यह कार्यक्रम सोने पे सुहागा है क्योंकि हम बिहारी हैं, हम बिहार में कुछ करना चाहते हैं। तो हम केवल अपने अंतिम बातों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब के लिए एक पंक्ति है मेरे लिए कि सहज सुगम सुलभ, सहज सुगम और सुलभ का समन्वय यदि माननीय मंत्री महोदय, इंडस्ट्री एसोसिएशन, माननीय अधिकारी वृंद और लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय की बिहार इकाई में यदि ये रिश्ता हो जाए तो हमारे यहाँ बैठे सारे लोग इस औद्योगिक विकास की गंगा को और प्रवाहित करने का काम करेंगे। मेरी बहुत शुभेच्छा है, बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद।